हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है संडे गाइस, ठीक है। तो आज 13 तारीख है, तो आज हम जाने वाले हैं ताजमहल, ठीक है। तो वैसे यार कंफर्म नहीं है ताजमहल जाऊंगा नहीं जाऊंगा, क्योंकि यार ना ताजमहल के अगर टिकट का नहीं जुगाड़ हुआ तो मुश्किल जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि गाइस देखो, मैं तो दे सकता हूँ टिकट, ठीक है, बट जो मेरे साथ दोस्त जाने वाले हैं वो तो नहीं यार दे पाएंगे, ठीक है। तो जैसे अभी लेकर रहा हूँ, और मेरे साथ में मेरा दोस्त जाने वाले हैं, और कन्फर्म नहीं कौन कौन जाने वाले हैं, ठीक है। तो आकर ज़रूर जाएगा, तो मिलते हैं आपको फिर रास्ते में, ठीक है गाइस। हेलो गाइस, तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है, ताजमहल के अंदर गाइस। तो यार हमारी इधर जुगाड़ थी थोड़ा, तो बिना टिकट के, ठीक है, हम अंदर एंट्री ले लिया है, ठीक है। जैसे मिल गया थोड़ा आकस की जान पहचान थी इधर, तो उन्होंने ना एंट्री फ्री में करा दी, और गंदा वाला लाइन लग रहा था, आपने देखा होगा पीछे, ठीक है। तो हम दोनों आए हैं अभी, और कोई नहीं है, आकस जैसे कि पहले ब्लॉग में आपने देखा था, आकस था मेरे साथ में। तो गाइस ये इसका रूट है अंदर जाने के लिए, ठीक है, जहाँ से अंदर एंट्री है। और ये देखिए लुकिंग एकदम ओपी है यार, अभी तुम अंदर का व्यू देखना, मज़ा आएगा भाई, ठीक है। मैं दिखाता आपको बैक कैमरे से, दिखाता एक सेकंड। ये थोड़ी डिटेल्स हैं इसमें, और हम ना गाइस फाइनली पूर्वी गेट से आए हैं, ठीक है गाइस। पूर्वी गेट बोलते हैं इसको, ये आपको दिख रहा होगा इधर, ये पूर्वी गेट है। पूर्वी गेट से हम आए हैं, तो यहाँ पर इसकी जो रिलेशनशिप वाले रिलेटिव थे ना, वो लेके आए हमें, ठीक है। तो उनके घर भी हमने गाड़ी खड़ी कर दी अपनी पार्किंग में, ठीक है, पार्किंग उनके घर पर ही, और उन्होंने एंट्री कराई है, तो वो यही रहते हैं, तो उन्होंने फ्री में करा दिया, वो भी ये आकस की वजह से हो पाया, ठीक है। ये पूर्वी गेट है खाया था। और ये इसकी मेन एंट्रेंस, ठीक है, ऐसे मेन गेट तो इसका दूसरी साइड है। फाइनली एंट्री ताजमहल, सिटी ऑफ ताज। यार वैसे ट्राईपॉड अलाउड नहीं है, और माइक भी अलाउड नहीं है, तो गाइस ठीक है, फ़ोन के माइक से ही वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा यार एडजस्ट कर लेना यार, अगर वॉइस का थोड़ा प्रॉब्लम हो ना तो देख लेना आप, ठीक है। खुशी है यार, काफ़ी खुशी है भाई, क्या बोलती पब्लिक। फाइनली हम अंदर आ गए हैं, वो भी फ्री में। बस यार ऊपर नहीं जा पाएंगे हम लोग, उधर के लिए ना 200 रुपये टिकट अलग लेना पड़ता है, तो वो तो भाई मैं नहीं लेने वाला, क्योंकि इतना पैसा फालतू नहीं खर्च करना मुझे। तुम लोगों को दिखा दूंगा बट, ठीक है, इसमें ताजमहल दिख रहा है सामने, आइए अभी अंदर जाएंगे, ठीक है। तो वो ताजमहल है, ठीक है, अभी अंदर चलते हैं, और ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है गाइस। मैं आपको टिकट के बारे में बता देता हूँ, टिकट का क्या सीन है गाइस। अगर तुम रेड पत्थर में है, ठीक है, रेड पत्थर पर रहोगे तो उसका टिकट कितना है, 50 रुपये। अगर तुम ऊपर वो वाइट पत्थर है ना ताजमहल के ऊपर, अगर उस पर जाओगे तो उसका 200 रुपये एक्स्ट्रा, ठीक है। तो मतलब 250 रुपये टोटल है। अगर आते हो तो यार 250 ले लेना, क्योंकि आपने दूर से आओगे तो लेना बनता है, ठीक है गाइस, कंजूसी मत करना मेरी तरह। हाँ, हम लोगों का तो यार बचपन से आ रहे हैं यार, तो 2 साल से स्टार्ट। क्राउड देखो गाइस, क्राउड देखो एक बार, क्राउड दिखाता मैं आपको। भाई गंदा अंधा अंधा गंदा क्राउड है, गंदा वाला, समझ रहे, बहुत पब्लिक है यार, बहुत, क्या बोल दिया पब्लिक, ये है भाई ताजमहल की पब्लिक। भाई आप लोगों को सामने दिखेगा ताजमहल, देखिए we
गाइस फाइनली ताजमहल के अंदर। फाइनली गाइस देखिए यार, बाल थोड़े ना अजीब लग रहे हैं हेलमेट की वजह से, ठीक है भाई। गाइस क्राउड देखो यार एक बार तुम, ओ भाई कितना पब्लिक है, कितना पब्लिक है यार ताजमहल अपने आगरा की शान। गाइस भाई दिख भी नहीं रहा, दिख भी नहीं रहा है, इतनी लाइट पड़ रही है उस पर। और इसका डोर भाई गर्मी बहुत तेज है यार। फोटो ले लेते हैं पहले यार। भाई ब्लैक फेस आ रहा होगा ठीक है मेरा, क्योंकि सीन ऐसा है ना कि धूप बैक साइड से धूप आ रही है अभी, इसी यहाँ बैठ के लेते हैं फोटो। बोले तो आज में ऐसे वाली लेंगे, ऐसे वाली लेंगे फोटो। ये देखो भाई वोट डाल के आया था मैं, ये उसका है, मैं फर्स्ट वोट वाला। देखा होगा आपने इंस्टाग्राम पर, फॉलो नहीं किया होगा तो कर लेना ठीक है, उधर स्टोरी डाल रखी थी मैंने। गाइस इतनी गर्मी है ना यार पता हो, तो जस्ट ना गाइस मैंने एक रील वीडियो बनाया ठीक है, रील्स अपने इंस्टाग्राम के लिए ताजमहल का ठीक है, तो वो आप चेक कर सकते हो, मैं ऊपर स्क्रीन पर आपको दे दूंगा ठीक है, तो आप चेक कर लेना उधर इंस्टाग्राम अकाउंट, और वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हो ठीक है। तो गाइस अभी ना ऊपर जा रहे हैं ठीक है, उस साइड एक फोटो ले लेंगे अच्छे से आ जाए तो। आकाश आ जा, तो चलो उसके लिए ऊपर चलते हैं। भाई पानी देख रहे हो बिल्कुल ब्लू, आज ब्लू है पानी। इस पानी के साथ भी फोटो लेंगे एक, वो वाला फुहारा अच्छा चल रहा है ना। तो ये हम आ गए ऊपर स्टेज पर, स्टेज टाइप का ही है कुछ ठीक है, उधर से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है देखो पीछे का, जहाँ से हम एंट्री ली थी हमने ठीक है, उधर का व्यू है, और ऊपर भी पानी भरा हुआ है इसके अंदर ब्लू, आज ब्लू है पानी। अच्छा लग रहा है यार काफ़ी यार, और बिल्कुल साथ में ताजमहल, नेक्स्ट लेवल व्यू। आओ फोटो लेते हैं गाइस ठीक है। तो गाइस ये है ताजमहल ठीक है, तो फाइनली गाइस हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटो और वीडियोस बना ली हैं ठीक है। तो जस्ट अभी आकाश का आ गया फ़ोन, पता नहीं किससे बात कर रहा है ठीक है, तो आपको एक बार बैक कैमरे से दिखाता हूँ। गाइस व्यू देखो यार कितना बड़ा है यार, मतलब ना सारी इमारतें आगरा की मतलब सब फेल है इसके आगे, ताजमहल के आगे। फ़ोन में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कैमरे में ठीक है, वीडियो में आपको समझ में नहीं आएगा, बट ये आप तुम रियल में आके देखोगे ना गाइस बहुत ऊँचा है यार। आगरा में इतना ऊँचा कुछ है भी नहीं, इतना ऊँचा बिल्डिंग भी नहीं है जो ये पुराने ज़माने की बनी हुई है। तो गाइस जो ऊपर जो उसके ऊपर जो क्या बोलते हैं गुम्बद बोलते हैं ना, उसके ऊपर पहले वो गोल्ड का हुआ करता था, बट अभी वो क्या बोलते हैं उसका है पीतल का, पहले गोल्ड का हुआ करता था वो ऊपर, इसलिए वो पीतल का देखो काला पड़ गया। एक बार व्यू देखो यार। तो गाइस ये लग रहा ऊपर देखो, ऊपर जाने के लिए ये लग रही लाइन ठीक है, ये लग रही इधर लाइन, इधर से मिलेगी आपको टिकट, और वैसे उधर कैश काउंटर हुआ है, कैश काउंटर पीछे देखो वो दिख रहा है वो कैश काउंटर है, वहाँ से आप कैश टिकट ले सकते हो ठीक है। इसके लिए इसमें फिर लाइन में लगना होगा आपको, और आपको मैं बैकग्राउंड में दिखाता हूँ ठीक है। ये अपना यमुना का पीछे का ताजमहल के जस्ट पीछे का व्यू पहले भाई, तो आपको सामने दिख रहा है ना, नेक्स्ट ब्लॉक फर्स्ट ब्लॉक मेरा आपका उधर दिखा होगा, वो है मेहताबाग, उधर आए थे हम नेक्स्ट फर्स्ट, मैं बैक कैमरे से दिखाता आपको, वैसे क्वालिटी नहीं दिखाई देगा भाई। पानी आ गया इसमें बहता हुआ पानी, बट फिर भी ना पानी वहाँ तक पहुँच जाता, वो बकरियाँ और जो गाय है ना उधर तक पहुँच जाता है, उधर तक पहुँच नहीं पाया है। गाइस मतलब यार वो बात सच है ऐसा इससे कि ये देखो गाइस नीचे सीढ़ी उतरने के लिए गुफा गई, नीचे ना अंदर रास्ता है अंदर नीचे जाने के लिए, बट वो लॉक लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है ठीक है,
तो यहाँ की जो गाइडर है ना गाइस, गाइड जो गाइड करते हैं ठीक है ताजमहल के बारे में बताते हैं, वो लोग टूरिस्ट लोगों को बता भी रहे हैं कि उधर सामने ब्लैक ताजमहल, ताजमहल में वो ब्लैक ताजमहल बनना था, तो वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताया था मैंने फर्स्ट में। फाइनली यार एक टाइम लैप्स शूट कर रहे थे यार, 12-15 मिनट का टाइम लैप्स शूट किया है ठीक है, तो वो मैं डालूंगा ठीक है ब्लॉग में, तो आप लोग देख लेना। तो जैसे यहाँ बैठ के मैंने शूट किया है और ताजमहल का व्यू, मतलब ना यहाँ से एकदम मस्त लोकेशन आ रहा था तो मैंने शूट कर लिया ठीक है। तो नेक्स्ट लेवल आने वाला है यार ये ब्लॉग का, इस थोड़ा सा लंबा होगा तो यार उसके लिए सॉरी यार। बैक साइड में है ताजमहल के, इतनी नेक्स्ट लेवल हवा चल रही है ना, क्या मजा आ रहा है, आपको दिख रहा होगा अपने हेयर से मेरे। तो बस अभी हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं ठीक है घर पे, क्योंकि यार जहाँ पर बाइक खड़ी करी है वहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा है ना गाइस, तो उधर नाश्ता वास्ता भी करना पड़ सकता है, तो फिर काफ़ी देर हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं आपको गाइस, ये पेड़ देख रहे हैं यार एक बार, ये पेड़ देखो यार एक बार तुम लोग देखना गाइस, 255 भाई कितना बड़ा पेड़ है ये, ओ भाई यार बहुत बड़ा पेड़ है यार ये तो यार, देखो मेरा हाथ तुम को देख नहीं, बट ऐसे देखो भाई बहुत बड़ा है यार, लिटरली बहुत बड़ा पेड़ है यार। निकल ही रहे हैं बस, तो पानी पानी पी लें थोड़ा सा, बहुत ही प्यास लग रही है। बस सुबह 2 कचौड़ी खा के आया था और एक गिलास मटचा छाछ पी के आया था ठीक है, और आकाश तू बिरयानी, तो ये चिकन बिरयानी खा के आया था। चलो पानी पीते गाइस, पीना कैसे लेने में पीता पका सुना, मैं पीता कैसे ऐसे को कैसे घूमता है ऐसे करके, कैसा पानी भाई, पानी तो आया रुका है बट ये समझ ना पीने कैसे, चाबी है गाइस देखना इधर से, चलो किधर भाई मुझसे ना बैलेंस ना, मैं पीने का मैं तो हाथ से पी रहा हूं, पानी पिया पूछो ना इसको, बोलते पब्लिक आगरे वाला चलो आप चलो ओके। ओह माय गॉड आरो गाइस मजा आ गया, पीके पूरा फुल आरो है, मजा आ गया पीके, देसी स्टाइल में पीना पड़ा, मुझे पी नहीं पा रहा था, मैं तो देसी स्टाइल में पिया अपने हाथ से जैसे गांव वाले पीते हैं ना हाथ से, आकाश पी रहा है यार उसका, वो घुमाने का अच्छा है यार देखना घुमाने का सही है यार गाइस, देखो इसको ना घुमाएंगे तब, इसको घुमाने से ना तब पानी की वो अच्छा यार, कोई गंदा नहीं उसको ना गंदा नहीं कर पाएगा। तो हम ना जस्ट बगल से जा रहे हैं, वो वैसे उधर से है ठीक है, तो हम बस बैक साइड से जा रहे हैं, मजे लेता हुआ खाली खाली चाहिए, शांतिपूर्वक जा रहे थे शांतिपूर्वक। ये देखो इधर एक उसका बाखर का पेड़ बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, तो इसमें ना जड़ें लटक रही हैं, तो मैं सोच रहा था भाई देख लो कितना बड़ा पेड़ है, इसमें तो हम वो खेल सकते हैं क्या बोल सकते हैं क्या बोलते हैं उसको, अरे उसको दुक्का था गेम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाइड एंड सी, हाँ हाइड एंड सी, ऐसी देखो मंकी तार पकड़ के ताज में बंदर बंदर को जुला दिया मैंने थोड़ा सा भाई, ताजमहल है जी मैंने बनवाया था आकाश ने बनवाया था अपनी मुमताज के लिए भाई, यहाँ से व्यू देखो यार, मैं फोटो तो बनता है यार, यहाँ से फोटो बनता है, वो बंदर का बच्चा उस बंदर को लगा उस बंदर को लगा मैं उसको पकड़ने आ रहा हूँ तो वो भागा। अच्छा चलो आप मेन रोड ले लेते हैं अपना ठीक है, मेन लाइन ले लेते हैं, एमजी रोड ले लेते हैं, मेन लाइन ले लेते हैं, मजा आया गाइस ठीक है। तो यार अभी जो भी मेरे ब्लॉग पर नया आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना ठीक है, और शेयर भी कर देना यार अपने दोस्तों को बताओ ठीक है, अपने आगरा में भी एक नया ब्लॉगर आ गया है जिसका नाम सूरज है ठीक है, तो बहुत ही जल्दी आपको नेक्स्ट 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 लेवल के ठीक है ब्लॉग आने वाले हैं अपने फ्यूचर में ठीक है,
तो अभी हम ट्रिप भी प्लान करेंगे आगरा से बाहर का, बट अभी आगरा में इतना एक्सप्लोर करने के लिए तो आगरा में एक्सप्लोर करेंगे अभी, ठीक है। तो इस वाले रोड से चलते हैं, ये वाले रोड से, सॉरी, ताजमहल। ना इसको ईस्ट गेट बोलते हैं, ईस्ट साइड सॉरी अपना ईस्ट गेट बोलते हैं, एग्जिट गेट है, ठीक है। तो यहाँ से एंट्री थी, यहाँ से एग्जिट है, तो ये एग्जिट गेट था गाइस, ठीक है। एग्जिट ले ली हमने, अभी चलते हैं घर की तरफ, ठीक है। तो इसके जो रिलेटिव है ना, उनके पास से हमें वो लेना पड़ेगा, क्या बोलते हैं आपको, क्या लेना पड़ेगा, बाइक लेना पड़ेगा, बाइक, हेलमेट और ट्राइपॉड और माइक, वो सब कुछ लेना पड़ेगा। एंट्री थी उस साइड से, एंट्री थी यहाँ से हम आए थे, तो उधर से जाके लाइन लगी थी, उधर टिकट मिलता है, ठीक है। तो ये मार्केट है, मैं आपको ना वीडियोस में दिखा देता, ठीक है, मैं अपना बैक कैमरे से दिखा देता, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो वैसे लेफ्ट और राइट दोनों साइड में ना मार्केट है, ठीक है। तो वैसे तो गाइस आप ये वाला ना, इसको ईस्ट गेट बोलते हैं, ठीक है। गाड़ी आ रही है, जो ताज नेचर है ना अपने आगरा का, जो कपल्स पार्क है उस साइड, ये सारी शॉप्स हैं। आ जाओ गाइस इधर साइड से चलना, आगे आ जा, ये सारी शॉप्स हैं और ये फुटपाथ है, ठीक है। सब कुछ मिल जाएगा आपको, ए टू जेड सब कुछ, आगरा का पेठा, ताजमहल, खाने पीने के लिए कुछ सब कुछ, बट यार बहुत कॉस्टली मिलेगा। हाँ, तो आगे से गाइस पार्किंग भी है, ठीक है, आगे से है पार्किंग, कार की, बाइक की, सबकी। अच्छा वो था, सॉरी। तो हमें ना थोड़ा राइट जाना पड़ेगा, क्योंकि बाइक हमारी इस साइड है, इनके ना इसके आकस के रिलेटिव के घर की तरफ है, ठीक है। तो आपको सामने से आना होगा, और सामने गाइस आपको ना 1-2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, वहाँ से आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो गाइस आप लोगों ने ताजमहल देख लिया होगा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और नहीं लगा हो तो यार गाइस आपको बताए, आपको डिसलाइक कर सकते हो, नहीं लगा तो, ठीक है। वैसे आपको अच्छा लगा हो 100% यार, क्योंकि यार इंडिया का 7 अजूब में से एक आता है गाइस, मास्क उतार लेना, कोई भी नहीं आस पास। जस्ट हम इनके ना रिलेटिव के घर जा रहे हैं, ठीक है, बाइक लेने अपनी, वहीं अपना ट्राइपॉड और माइक सब कुछ जमा है। तो चलो गाइस फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो उसके लिए गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करके जाना यार, ब्लॉग अच्छे लगे तो। काफ़ी बड़ा ब्लॉग हो गया होगा यहाँ तक मुझे लगता है, करना गाइस, ठीक है। आई लव यू ऑल, ठीक है गाइस, बाय गाइस, ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।